हेडलाइंस आपने जानी और आम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुपर पावर की मईशत को मुश्किलात का शिकार, अमेरिकी सेक्रेटरी खजाना का कहना है कि अमेरिका डिफॉल्ट से बचने के लिए गैर मामूली इकदाम का सहारा लेगा, जल्द अपने कर्ज की हद तक पहुंच जाएगा। और कांग्रेस और सेनेट रहनुमाओं को लिखे गए खत में कहा कि इकदाम इस वक्त तक रहेंगे जब तक कांग्रेस ऐसी कानून साजी नहीं करा सकती जिससे या तो मुल्क के 31.4 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज लेने के इख्तियार में इजाफा होगा या उसे एक मुद्दत के लिए दोबारा मुअत्तल कर दिया जाएगा। बर वक्त इकदाम ना किए गए तो अमरीकियों को मुआशी तौर पर मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। सुपर पावर की मईशत मुश्किलात का शिकार है, अमरीकी सेक्रेटरी खजाना का कहना है कि अमरीका डिफॉल्ट से बचने के लिए गैर मामूली इकदाम का सहारा लेगा, जल्द अपने कर्ज की हद तक पहुंच जाएगा। जैनेट बेलन ने कांग्रेस और सेनेट रहनुमाओं को लिखे गए खत में कहा कि इकदाम इस वक्त तक रहेंगे जब तक कांग्रेस ऐसी कानून साजी नहीं करा सकती जिससे या तो मुल्क के 31.4 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज देने के इख्तियार में इजाफा होगा या उसे एक मुद्दत के लिए दोबारा मुअत्तल कर दिया जाएगा। इकदाम ना किए गए तो अमरीकियों को मुआशी तौर पर नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचेगा। हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर है बैन अक्वामी मंजरनामे से सुपर पावर की मईशत मुश्किलात का शिकार है, अमरीकी सेक्रेटरी खजाना का कहना है कि अमरीका डिफॉल्ट से बचने के लिए गैर मामूली इकदाम का सहारा लेगा, जल्द अपने कर्ज की हद तक पहुंच जाएगा। जैनेट बेलन ने कांग्रेस और सेनेट रहनुमाओं को लिखे गए खत में कहा कि इकदाम इस वक्त तक रहेंगे जब तक कांग्रेस ऐसी कानून साजी नहीं करा सकती जिससे